बाइक टैक्सी पर आज फैसला संभव। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को दी है चुनौती। राष्ट्रीय राजधानी में बाइक टैक्सी चलाने पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दे सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार चाहती है कि उनकी तरफ से नीति लागू किए जाने से पहले रैपिड और उबर जैसी ऐप आधारित सेवाओं में गैर व्यावसायिक पंजीकरण वाले दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल ना हो। सरकार की तरफ से इस संबंध में जारी नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले 26 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने रैपिडो की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए उसके इस कानून को चुनौती दी थी। इस कानून के तहत दुपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत होने से बाहर रखा गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को एक अंतिम नीति बनाने के लिए कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि तब तक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।